एक ही जगह बैठा उनको देना है। अच्छा 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 ओके 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 खड़े होके पहले सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से कश्मीर को कश्मीर की जनता को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि कल जो डीडीसी का पहले फेज का जो यहाँ पर चुनाव हुआ उसको कश्मीर के लोगों ने उस उत्सव की तरह माना, एक फेस्टिवल की तरह माना और खुलकर कश्मीर कल वोट करने निकला, उत्सव मनाया। कश्मीर डर के साए से बाहर निकला, कश्मीर बंदूक के साए से बाहर निकला, कश्मीर पत्थरबाजों के साए से बाहर निकला, कश्मीर हुर्रियत और गुपकार के साए से बाहर निकलकर उन्होंने बम्पर वोटिंग की है। इसके लिए मैं कश्मीर की जनता को दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद देता हूं और ये मैं मान के चलता हूं कि कश्मीर के अंदर इस बार और पहली बार लोटस खिलेगा, कमल खिलेगा, यहां का पश्मीना उड़ेगा, पश्मीना पूरे देश के अंदर जो है यहाँ का पश्मीना जाएगा, यहाँ का केसर खिलेगा, यहाँ का केसर पूरे देश में केसरी रंग में जो है वो रंगेगा, ऐसा मेरा मानना। आज भारतीय जनता पार्टी कश्मीर यूनिट ने यहाँ पर अपना विजन डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीज किया है। उस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रण लिया है कि कश्मीर को शांति की राह पर लाना है, कश्मीर को पत्थरबाजों से मुक्त करवाना है, कश्मीर को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है, कश्मीर को डिस्ट्रक्शन से दूर लेके जाना है, कश्मीर के अंदर टूरिज्म के उस खजाने को जो दुनिया के अंदर सबसे नंबर एक का खजाना टूरिज्म का जो है वो कश्मीर को है, कश्मीर में है, उसको उभारना है और देश और दुनिया के टूरिज्म को टूरिस्ट को कश्मीर के अंदर लाना है। ये एक बड़ा वादा जो है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर 70,000 युवाओं को नौकरी देने वाली है, उन 70,000 युवाओं को नौकरी देने वाली है जिसमें से एलजी मनोज सिन्हा जी ने 15,000 की जो है एडवर्टाइजमेंट कर चुकी है और 55,000 और नौकरियां जो है यहां को युवाओं को देने का वादा जो है भारतीय जनता पार्टी करती है। यहां पर SRO 202 के जो एम्प्लाइज थे SRO 202 दूर करके हमने जम्मू कश्मीर के एक बड़ी संख्या का जो एम्प्लाइज था मुलाजम था उसको रिलीफ दिया है। उनके और भी जो हर्डल्स हैं, उनकी जो और मुश्किलात आ रही हैं उसको भी देखकर उनको दूर किया जाएगा, उनकी पिछली जो एक एरियर्स हैं उनको जल्दी जो है वो रिलीज किया जाएगा। यहाँ पर हमारे डेली वेजर हैं, कैजुअल लेबर हैं, कंट्रेक्चुअल हमारे भाई हैं, नौजवान हैं, उनको पक्का किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर वादा। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनने के बाद हर डिस्ट्रिक्ट को डेवलपमेंट का पूरा मौका दिया जाएगा। ये नहीं होगा कि जो हमारी कुछ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको देखा जाएगा और पुरानी और पिछड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है उनको छोड़ा जाएगा। डीडीसी का चुनाव कराने का मतलब यह है कि डेमोक्रेसी को निचले लेवल तक ले आना, हर किस्म का डेवलपमेंट जो है हर जिले में करना, ये भी वादा जो है वो हम आपके सामने जो है वो करते हैं। उसके साथ साथ जहां पर बिजली और पानी को लेकर एक बड़ी किल्लत कश्मीर के अंदर है, आज सर्दियों के अंदर यहाँ बिजली की बड़ी परेशानी रहती है, भारतीय जनता पार्टी इस बात का भी वादा करती है कि आने वाले दिनों के अंदर कश्मीर के अंदर बिजली और पानी की जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर की जाएंगी। कश्मीर इतना खूबसूरत है, यहाँ पर डल लेक जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत लेक है। यहाँ पर अगर हम पहलगाम और गुलमर्ग की बात करें कितने खूबसूरत यहाँ पर हमारे पास टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन सड़कों की हालत ठीक नहीं है, सड़कों की हालत बड़ी खस्ता है जिसके कारण टूरिस्ट कई बार उस कारण भी यहाँ पर नहीं आता है। एक दुनिया के ग्लोबल स्टैंडर्ड के तौर के ऊपर कश्मीर को उस पैमाने पर लाकर यहाँ पर एक बड़ी सड़कों का जाल बिछाया जाएगा और सड़कों का स्टैंडर्ड जो है उसको बड़ा हाई किया जाएगा, खूबसूरत सड़कें बनेंगी ताकि टूरिस्ट जो है यहाँ पर खींचा चला आए। मैं आपके सामने ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से कश्मीर के अंदर इस गुपकार गैंग ने जिस ढंग से, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे PDP हो, इन्होंने यहाँ पर इंक्रोचमेंट को बढ़ावा दिया, इन्होंने रोशनी एक्ट लाकर यहाँ पर इंक्रोचर्स को एक ताकत दी, इन्होंने यहाँ पर बड़ी खूबसूरत जगह जो है जो कि टूरिस्ट के लिहाज से अच्छी हो सकती थी
बिजनेस के लिहाज से अच्छी हो सकती थी, बड़ी इंडस्ट्री और बड़ी फैक्ट्रीज जहां पर लग सकती थी, लेकिन इन्होंने इनक्रोचर्स को वो जमीनें उनके हवाले कर दी। उनमें हम अगर देखें तो हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब भी इनक्रोचर्स में आते हैं। जम्मू की कोठी की अगर उनकी बात करें, वो भी फॉरेस्ट लैंड के ऊपर बनी हुई है। उनकी बहन जो है, उनके पास जो है वो भी इनक्रोचर है। और उनके दोनों ऑफिस जो है, चाहे कश्मीर का ऑफिस है चाहे श्रीनगर का ऑफिस है, दोनों ऑफिस स्टेट लैंड को इनक्रोच कर कर बनाए गए हैं। जब जिस जहां पर जिस ढंग से उन्होंने 60 साल रूल किया और उन्होंने खुद ही जमीनें इनक्रोच की हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने हजार करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए की इनक्रोचमेंट उन्होंने मिलकर यहां पर भाई भतीजे बाद के तौर पर की है। ये हमारा वादा है कश्मीर से, एक एक इनक्रोचर को हटाया जाएगा। वो जमीन जो है लोगों की जमीन है, लोगों की प्राप्ति है, वो स्टेट की प्राप्ति है, वो स्टेट को वापस दी जाएगी और वहां पर डेवलपमेंट की जाएगी। एक तरफ गरीब हमारा है, लूट को छूट नहीं है, इनकी हलक में हाथ डालकर इन्होंने जो करप्शन की है, इनकी हलक में डालकर वो करप्शन जो है बाहर निकाली जाएगी। जिस ढंग से गुपकार गैंग जो है डिस्ट्रक्शन की तरफ कश्मीर को ले जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो उस कंस्ट्रक्टिव सोच की तरफ जा रही है, ये लड़ाई डिस्ट्रक्शन वर्सेस कंस्ट्रक्टिव सोच की है। कश्मीर के लोगों को सोचना है, कश्मीर के लोगों को देखना है कि मैं देख रहा था कि कल जब पोलिंग हो रही थी, हमारी एक कश्मीर की बेटी मीडिया के आगे बोल रही थी। उन्होंने कहा था, उन्हें बेटी ने बोला कल कि 70 वर्षों में हमें पानी नहीं मिला, हमें बिजली नहीं मिली, हमें सड़क नहीं मिली, हमें रोजगार नहीं मिला, हमारा टूरिज्म खत्म हो गया। वो बेटी ने जो बोला वही कश्मीर आज बोल रहा है, वही कश्मीर आज सोच रहा है। कल जो वोटिंग हुई, कल जो बंपर वोटिंग हुई, वो बंपर वोटिंग आतंकवाद के खिलाफ, वो बंपर वोटिंग अलगाववाद के खिलाफ, वो बंपर वोटिंग पत्थरबाजों के खिलाफ, वो बंपर वोटिंग पाकिस्तान के खिलाफ, वो बंपर वोटिंग हुर्रियत के खिलाफ, वो बंपर वोटिंग जो है वो शांति के हक में, पीस के हक में, प्रोग्रेस के हक में, डेवलपमेंट के हक में, भाईचारे के हक में। वो कल जो बंपर वोटिंग हुई वो यहां के टूरिज्म के हक में, यहां के व्यापार के हक में, यहां पर किसी दौर के अंदर कश्मीर के अंदर अगर नालंदा और तक्षशिला के बाद देश के अंदर एजुकेशन स्टैंडर्ड था वो कश्मीर के अंदर था। आज भारतीय जनता पार्टी ये भी वादा करती है कि कश्मीर को दुनिया के अंदर एजुकेशनल हब जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है बनाएगी। ये मैंने बुलेट पॉइंट जो है वो आप सबके सामने रखे हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। यहाँ DDC के चुनाव हुए, यहाँ BDC के चुनाव हुए, यहाँ डेवलपमेंट जो है रोड स्टेप पर आ गई। आगे यहाँ पर दो परिवारों की हिपोक्रेसी चलती थी, दो परिवारों की डिक्टेटरशिप चलती थी। महाराजा हरि सिंह जब चले गए तो अब्दुल्ला परिवार यहाँ डेमोक्रेसी नहीं ला पाया, उन्होंने डिक्टेटरशिप की, महाराजा से ज्यादा डिक्टेटरशिप उन्होंने यहाँ पर की। इस 370 हटने के बाद यहाँ पर पंचों के चुनाव हुए, सरपंचों के चुनाव हुए, यहाँ BDC के चुनाव हुए, यहाँ DDC के चुनाव होने जा रहे हैं। नहीं तो एक MLA ही हमारे पास होता था जम्मू कश्मीर की जनता के पास, कि जिसके दरवाजे पर जाना पड़ता था। भारतीय जनता पार्टी ने और 370 हटने के बाद ये डोर स्टेप बाद पांच जगह जो है, अगर MLA नहीं मिलेगा आप DDC के चेयरपर्सन के पास जाएंगे, वो नहीं मिलेगा BDC के चेयरपर्सन के पास जाएंगे, BDC का चेयरपर्सन नहीं मिलेगा आप सरपंच के पास जाएंगे। सबसे बड़ा लाभ उससे बराबर डेवलपमेंट होने वाला, जब DDC के चेयरपर्सन आ जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बराबर की डेवलपमेंट होगी और उसके साथ साथ यहाँ पर इन्वेस्टर आने वाले हैं, इन्वेस्ट करेंगे। आप ये देखिए कि मेरा कश्मीर का युवा आज अलीगढ़ में पढ़ने जा रहा है, मेरा कश्मीर वो जो है वापस करने या ना वापस करने वाली तो कोई इशू ही नहीं है। इशू ये है कश्मीर को हमने इम्पावर्ड करना है, कश्मीर में बिजली देनी है, कश्मीर को पूरी बिजली मिलेगी। इस लैंड स्कैम में होगा वो उसमें की मैंने ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस उन और उनके चहेतों ने ये जमीन इनक्रोच की है, चाहे वो जम्मू में की है, चाहे जम्मू में की है, चाहे कश्मीर के अंदर की है, वो सारी खाली कराई जाएगी कि जो भी लोग हैं उसमें अगर मैं भी शामिल हूं मेरे से भी वापस ली जाएगी। प्रॉमिस जो है ये पक्का प्रॉमिस है। 1.5 साल पहले क्या परिस्थिति थी, किसने वादा किया था मैं नहीं जानता। आज भारतीय जनता पार्टी विजन जम्मू कश्मीर डॉक्यूमेंट के अंदर कह रही है कि डेली वेजर्स को पक्का किया जाएगा। और आप एक बात को देखें,
कितना भद्दा मजाक ये पिछले हमारे जितने भी लेजिस्लेटर रहे नेशन कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस के, जिस गांव के अंदर गए, जिस का अपनी विधानसभा के अंदर गए, चुनावों में उन्होंने क्या किया कि एक्शन को बोला भैया चार लोग डेली वेजर लगा दो, दूसरे ने बोला ये छह लोग डेली वेजर लगा दो। आज वो लोग 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, वो लोगों को पक्का नहीं किया गया क्योंकि कोई प्रोविजन ही नहीं था फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर डेली वेजर्स को लेकर, कोई प्रोविजन नहीं था। इन्होंने पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग यहां युवाओं के साथ की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वादा करती है कि इनको पक्का किया जाएगा।